हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग न्यू, कुछ नया पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो मैं आज देख रहा हूँ। मैं आपको जनरली हर रोज कुछ नई बात बताता हूँ जो मैं देख रहा हूँ बच्चों में। आजकल के जो बच्चों में चीजें देखी जा रही हैं, उन चीजों को मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली कुछ बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं और भी मैं बच्चे देखता हूँ, तो हो क्या रहा है कि बच्चे थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर थोड़ा सा ज्ञान आ जाए उनके पास, तो वो क्या समझने लगते हैं कि मैं बहुत होशियार हो गया। अपने आप को वो ज्यादा होशियार समझते हैं। वो कई बार टीचर्स से आर्ग्यूज करने लग जाते हैं, लेकिन उनके पास अभी थोड़ा सा ज्ञान आया है। एक कहावत होती है, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज अ डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो मैं उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, कभी भी अहंकार मत लेके आना। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाओ, अहंकार मत लेके आना। अहंकार आ गया जीवन में तो सब बिगड़ जाएगा, सब बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। अहंकारी मत बनना। जीवन में झुकाव रखिए, जो जितना झुक सकता है वो उतना झुका सकता है। जिसमें झुकने की शक्ति है वो झुकाने की भी शक्ति रखता है। अक्सर आंधियों में वो पेड़ टूट जाते हैं जो झुक नहीं सकते, और जो झुक जाते हैं वो पेड़ झुक कर बच जाते हैं। आंधियों में वही पेड़ उखड़ता है जो सीधे खड़े रहता है। जो झुक सकता है वो बच सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, निरअहंकारी बनिए, अहंकार मत करिए। आपको जो ज्ञान मिल रहा है भगवान को समर्पण करिए। भगवान की कृपा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, अगर हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है। अहंकारी मत बनिए, निरअहंकारी रहिए। अगर आपको झुकना सीखना है तो मैं आपको बताता हूँ, रोल मॉडल है हम सबके। आप झुकना हनुमान जी से सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक स्टोरी के माध्यम से कि कितना झुकाव था हनुमान जी में। कितने बड़े थे वो, कितनी शक्तिशाली थे वो, कितनी पावर थी उनके पास, फिर भी कितना झुकाव था उनमें। बिल्कुल अहंकार नहीं था, कितना निरहंकारी थे वो, जरा समझिएगा। तो मैं ये बात है, जब रावण सीता मैया को ले गया था, तो हम पहुंच गए थे समुद्र तट पे पहुंच गए थे। तो वहां से अब लंका जाने की बात चल रही थी, तो लंका पुल तो बना नहीं था। तो पुल बनाने से पहले की बात है, तो वहां पर कोई जा नहीं पा रहा था। तो जामन जी को पता था कि जा कौन सकता है, हनुमान जी जा सकते हैं। लेकिन उनको एक ऋषि ने श्राप दे रखा था, जिसकी वजह से हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे। उन्होंने कुछ शरारतें करी थी बचपन में, जिसकी वजह से एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था, तो वो जिस वजह से अपनी शक्तियां भूल गए थे। लेकिन उनको फिर उसका उपाय भी बताया गया था कि कोई तुम्हें समय पर याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आ जाएंगी शक्तियां। तो वो भूल चुके थे, लेकिन लेकिन जामंत जी ने क्या किया, जामंत जी ने उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई। जामंत जी ने जैसे ही उनकी उनको शक्तियां याद दिलाई, उनको सारी शक्तियां याद आ गई। फिर से उनको सब कुछ पावर मिल गई, सब शक्तियां मिल गई। अब शक्तियां आ गई हैं, फिर भी अब वो पूछ रहे हैं जामंत जी से, क्या कह रहे हैं कि प्रभु बताइए अब मैं क्या करूं। आजकल के इंसान पर कुछ शक्ति, क्या कुछ थोड़ा सा पैसा आ जाए तो वो सामने वाले को देखता तक नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान आ जाए तो दूसरे को पूछता तक नहीं है। लेकिन उनके पास ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आ गई, फिर भी अब वो जामन जी से पूछ रहे हैं कि महाराज प्रभु अब मैं क्या करूं बताइए। कितनी कितनी निरहंकारिता है, कितना झुकाव है। सीखिए इस चीज से, कभी भी कितना भी आपके पास कुछ भी आ जाए, झुकाव रखना चाहिए जीवन में, क्योंकि जो झुक सकता है वो झुका सकता है। बात समझिए मेरी, ध्यान से। तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसको समझते चलिए। तो जैसे ही फिर जामन जी ने उनको आदेश दिया, जामन जी ने कहा कि जाओ लंका जाओ और सिया सुद लाओ, वहां जाओ और सीता जी से मिलकर आओ, उनके उनका हालचाल पूछकर आओ, और उनको बताकर आओ भगवान श्री राम आने ही वाले हैं। उनको बताकर आओ, संदेश देकर आओ, उनको थोड़ी सी इच्छाएं देकर आओ ताकि वो खुश रहें, थोड़ा सा उनको आस देकर आओ कि भगवान श्री राम आने वाले हैं। तो जैसे ही जामन जी ने कहा, बजरंगबली ने छलांग लगाई, बजरंगबली ने छलांग लगाई। जैसे ही वो उड़े तो रास्ते में उनको सुरसा मिल गई, उनको एक राक्षसी मिली जिसका नाम था सुरसा। अब सुरसा बीच में आके खड़ी हो गई, सुरसा बीच में आके खड़ी हो गई। तो भैया, सुरसा बीच में आके खड़ी हो गई, तो हनुमान जी ने बोला कि रास्ते से हट जाओ, मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे जल्दी जाना है।
तो वो बोली कि मैं आगे से नहीं हटूंगी, मैं तो तुझे खाऊंगी, मैं तो तुझे खाऊंगी। तो वो बोली, वो बोले अभी नहीं, मैं लौट के आता हूं तब खाना। लेकिन वो नहीं मानी, उसने बोला मैं तो तुझे अभी खाऊंगी। तो फिर बजरंगबली बोले, उन्होंने बोला कि देर मत कर, जल्दी खा ले। तो जैसे ही उसने एक योजन का मुंह करा, सुरसा ने एक योजन का मुंह करा, हनुमान जी दो योजन के हो गए। सुरसा ने दो योजन का मुंह करा, हनुमान जी चार योजन के हो गए। सुरसा ने चार योजन का मुंह करा, हनुमान जी आठ योजन के हो गए। सुरसा ने आठ योजन का मुंह करा, हनुमान जी सोलह योजन के हो गए। सुरसा ने सोलह योजन का मुंह करा, हनुमान जी बत्तीस योजन के हो गए। फिर सुरसा ने चौसठ योजन का मुंह कर दिया। तो हनुमान जी के समझ में बात आ गई कि ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो जैसे ही सुरसा ने चौसठ योजन का मुंह करा, वैसे ही हनुमान जी छोटे से हो गए, एक योजन के हो गए, और सुरसा के मुंह में जाकर बड़ी जल्दी से वापस आ गए, बड़ी जल्दी से वापस आ गए। सुरसा देखती रह गई और सुरसा से बजरंगबली ने कहा, लो मैया मैं तुम्हें अंदर जाकर बाहर भी आ गया, आपकी भी बात रख ली, मेरी भी बात हो गई, तो अब मुझे जाने दो। तो इस जगह पर सीखने की क्या चीज है, जरा सीखिए। जब जरूरत थी शक्ति दिखाने की तो शक्ति दिखाई, और जब जरूरत थी बुद्धि लगाने की तो बुद्धि लगाई। तो जब जरूरत होती है तब शक्ति दिखाइए, जब जरूरत होती है तब बुद्धि दिखाइए। बात को समझते चलिए। तो सुरसा ने रास्ता दे दिया, बजरंगबली आगे बढ़े चले गए। बजरंगबली जैसे ही लंका द्वार पहुंचे, उनको लंकिनी मिल गई, उनको लंकिनी मिल गई। जैसे ही उनको लंकिनी मिली, उन्होंने लंकिनी में मारा एक मुक्का, लंकिनी मूर्छित हो गई। और जैसे ही लंकिनी को होश आया, लंकिनी ने स्वयं अपने आप द्वार खोल दिया लंका का। तो बजरंगबली बोले कि लंकिनी तुमने मुझे अंदर जाने के लिए कैसे परमिशन दे दी? तो लंकिनी बोली कि मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था, जिस दिन किसी बंदर के मारने से मैं मूर्छित हो जाऊंगी, समझ लेना रावण का विनाश होने वाला है। तो भैया लंकिनी ने जगह दे दी, हनुमान जी गए। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे, वहां पे सीता मैया पेड़ के नीचे बैठी थी। तो उस समय जब वो वहां पहुंचे तो रावण मैया के पास था। तो बजरंगबली छुपकर पेड़ पे छुपके बैठ गए। तो अब जो सीता मैया है और जो रावण है, वहां संवाद चल रहा है। रावण कह रहा है तुम्हारे पास एक महीना है, मेरी बात मान जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अड़क कर दूंगा। बजरंगबली सुन रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। तो बजरंगबली सुन रहे हैं। जैसे ही रावण गया बजरंगबली जी के पास, हनुमान जी के पास अंगूठी थी भगवान राम की, जो उन्होंने भेजी थी, तो वो उन्होंने नीचे गिराई। माता को अंगूठी मिली, माता को पता चला ये तो भगवान श्री राम की है। जैसे ही उनको भगवान श्री राम का पता चला, वो इधर उधर देखने लगी। इतने में ही हनुमान जी उनके सामने प्रकट हो गए। हनुमान जी प्रकट हो गए तो फिर माता ने पूछा कि कौन हो तुम, कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा, मैं रामदूत हूँ, इससे बड़ा मेरा कोई परिचय नहीं है। मैं राम जी का सेवक हूँ, इससे बड़ी मेरी कोई हैसियत नहीं है, बस मैं इतना सा ही हूँ। तो लेकिन देखिए, यहाँ पर देखिए निरअहंकारिता, देखिए यहाँ पर समझिए चीज़ों को। हनुमान जी गए हैं और जब परिचय पूछा तो उन्होंने कहा, मैं राम सेवक हूँ, मैं राम का दूत हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन आज का अगर इंसान जाता तो वो कैसे कहता, अरे आप मुझे नहीं जानती, अरे कोई ना आ पाया, मैं समुद्र पार करके आया, मैंने सुरसा मारी, लंकिनी मारी, क्या क्या मार के मैं आपके पास आया हूं, कितना सब कुछ बताता। देखिए निरहंकारिता, देखिए सीखिए इस चीज से, कितने शक्तिशाली होने के बाद भी क्या कह रहे हैं, मैं राम का दूत हूं, इससे बड़ा मेरा कोई परिचय नहीं है, ठीक है ना। तो फिर मैया ने बोला कि अगर राम जी को अगर मेरी सुध है, उनको पता है, तो वो क्यों नहीं आए? एक बार जयंत इंद्र के बेटे कौआ बन के आया था, उसने मेरे कुछ काट दिया था, तो भगवान ने उनको ऐसे तीर से कुछ करा था, एक ये स्टोरी है पूरी। तो उन्होंने क्या करा था कि उसको जयंत को पूरे ब्रह्मांड घुमा दिया, वो घूमता रहा, फिर उसको शरण में ही आना पड़ा भगवान श्री राम जी में, तो फिर उसको एक आंख से काढ़ा करके भगवान श्री राम ने भेज दिया था। तो माता कह रही है कि एक कौए के ऐसे करने पर उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया, और रावण तो मुझे पूरा उठा लाया, तो कैसे भगवान श्री राम शांत है? तो बोले मैया, भगवान को सब पता है, वो आने वाले हैं, उनकी भी बहुत बड़ी सेना है मेरे जैसी। भगवान छोटे अवतार में थे, हनुमान जी माता के सामने छोटे अवतार में थे, तो बोला मेरी जैसी बहुत बड़ी सेना है भगवान श्री राम की। तो माता कह रही, माता कह रही तुम्हारी जैसी। माता के मन में संदेह आया,
और हनुमान जी बोले कि मेरे जैसी छोटी और जो वहां पर जो सैनिक है वो तो मुझसे भी छोटे हैं, क्योंकि जो बानर थे वो तो बजरंगबली से भी साइज में छोटे थे। तो माता के मन में संदेह आया कि ये कैसे जीतेंगे रावण से। तो ये बात बजरंगबली को पता चली तो बजरंगबली ने अपना विराट रूप माता को दिखा दिया। माता 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 से बोले, मैया इतने भी हल्के में मत लेना, मैया इतने भी हल्के में मत लेना, हमारे पास भी बहुत कुछ है। भगवान श्री राम जिसके पास हो उसको किस बात का गम रहेगा। मेरे को आप एक बात बताइए, जिसके पास भगवान है उसको क्या चाहिए दुनिया में? समझ में आ रही है मेरी बात? तो उन्होंने अपना रूप दिखाया, माता को यकीन हुआ, माता को विश्वास आया कि सेना बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए, जब भगवान ने अपना रूप दिखाया तो ये उनको ऐसा दिखाने के लिए नहीं दिखाया कि मैं शक्तिशाली हूँ। माता के मन में डर आया कि भगवान जीत पाएंगे कि नहीं, उस डर को खत्म करने के लिए हनुमान जी ने विराट रूप दिखाया कि उनको यकीन हो जाए कि हम जीत जाएंगे। लेकिन आज का समय क्या है, आज के समय पर लोग बड़ा रूप डराने के लिए दिखाते हैं, आज के समय पर लोग अपना सोर्स यूज करते हैं डराने के लिए। तो कनेक्ट करिए पहले में और आज में अंतर क्या आ रहा है, क्यों विलुप्त होती जा रही है सारी चीजें। तो सुनिए जरा, अब आगे की बात करता हूं। माता को यकीन हो गया, तो अब भगवान वो कह रहे, मैया थोड़ी भूख लगी है कुछ खा लूं। तो माता ने बोला खा लो। तो वो गए खाने, तो उन्होंने पेड़ वेड़ सब उखाड़ दिए, सब कुछ खाने लग गए, उसमें से जो भी सामने आया उसको पटक दिया, इधर उधर उछाल दिया। तो रावण को जैसे ही पता चला, रावण ने उसको बजरंगबली को बुलाया और उनको वहां पर बंदी बना लिया, वहां पर बांध कर खड़ा कर लिया अपने दरबार में। तो अब क्या हुआ, बजरंगबली, अब सुनना यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर सुनना। तो बजरंगबली को खड़ा कर लिया और रावण बोला, क्यों मूर्ख तूने कैसी हरकत कर दी? भगवान हंस रहे हैं, बजरंगबली हंस रहे हैं, देखिए निरहंकार था, देखिए वो बोल रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब रावण बोला, रावण ने क्या करा, रावण ने मृत्यु को उनके निकट लाके खड़ा कर दिया, मृत्यु को बजरंगबली के बगल में लाके खड़ा कर दिया। तो रावण बोला, अरे मूर्ख तेरे बगल में मृत्यु खड़ी है और फिर भी तू हंस रहा है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बजरंगबली बोले, रावण मृत्यु मेरे बगल में जरूर खड़ी है लेकिन देख तुझे रही है, तो रावण बोला, मुझे क्यों देख रही है? वो बोले, अरे वो देख तुझे रही है हमारे, और तुम्हारे पास क्यों खड़ी? बोले, तुम्हारे पास तो इसलिए आई है, हमसे पूछने आई है, अभी रुकूं या अभी से निपटा दूं? वो बोल रहा है, अभी रुकूं या यहीं पे निपटा दूं? तो रावण का हिल गया दिमाग। तो रावण बोला, रावण को आदेश देता है उनको खत्म करने के लिए। इतने में ही अब लोग उनसे पूछते हैं कि आप भले पड़े हो, इतने लोग सेना है, आपको डर नहीं लगता? बजरंगबली से पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ पे बांध के रखा है और इसकी इतनी सेना है, इनके बीच में आपको डर नहीं लगता? इनको डर नहीं लगता, आप भले हुए हो। तो हनुमान जी का जो आंसर आया उसको जरा दिमाग में रखिएगा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, मेरे हाथ बने हुए हैं, भगवान के हाथ तो नहीं बने हुए, तो इतने में ही वहां से विभीषण आ गए। विभीषण ने बोला कि दूत को हम मार नहीं सकते, तो क्या किया जाए? उनसे पूछा तो उन्होंने बोला, पूंछ में आग लगा दीजिए। तो बजरंगबली बोले मजा आ गया, लगाओ आग। पूंछ में आग लगा दी, सारी लंका फूंक दी बजरंगबली ने। और फिर लंका फूंकने के बाद माता के पास गए, माता से आज्ञा लेकर वापस हनुमान जी राम जी के पास चले गए। तो राम जी के पास पहुंचे, वापस आए तो जामन जी से मिले, और जामन जी राम जी के पास पहुंचे तो जामन जी ने राम जी से कहा कि हनुमान सब काम करके आ गया, हनुमान ने सारा काम कर दिया। तो बजरंगबली को राम जी ने बुलाया और उनसे कहा, हनुमान जी आप सारा काम करके आ गए, देखिए भगवान को देखिए, भगवान भी कह रहे हैं हनुमान जी आप सारा काम, देखिए निरहंकारिता, देखिए भगवान जी लगा के बात कर रहे हैं, देखिए निरहंकारिता, देखिए तो इज्जत देना, देखिए सारी चीजें सीखी। तो जैसे ही भगवान श्री राम कहते हैं किससे, बजरंगबली से, कि आप सारा काम करके आ गए, तो हनुमान जी कह रहे, मैंने कुछ नहीं करके आया। वो कह रहे, राम जी कह रहे, जामन जी तो ये कह रहे हैं आप नहीं करा है। हनुमान जी कह रहे, मैंने कुछ नहीं करा। अरे जामन जी से पूछे, जामन जी कह रहे इन्हें ही करा है। जामन जी कह रहे हनुमान जी सब कुछ करके आए। राम जी पूछ रहे, हनुमान जी कह रहे मैंने कुछ नहीं करा। जामन जी से पूछा, जामन जी कह रहे हनुमान जी करके आए। राम जी का माथे में थोड़ा गड़बड़ हुआ, उनको थोड़ा गुस्सा सा आया, तो गुस्से में उनने बोल दिया, तुमने नहीं करा, इनने नहीं करा, तो क्या मैंने करा है?
तो बजरंगबली क्या कहते हैं, बातों को पकड़ लेना, बजरंगी कहते हैं। राम जी ने बोला तो क्या मैंने कराया, तो बजरंगबली ने बोला तो प्रभु मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तो प्रभु मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपने ही करा है, मैंने कुछ नहीं करा है। देखिए निरअहंकारिता देखिए, निरअहंकारिता देखिए, सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी भगवान कैसे कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, सब प्रभु आपने करा है। तभी तो एक गाना बना है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो भैया ऐसे ही है, आप करते रहिए, आप ज्ञान अर्जित करते रहिए, अहंकारी मत बनिए, अहंकार आपको डुबा देगा। जिस दिन आप अहंकारी बन जाओगे उस दिन आप डूब जाओगे। रावण ने अहंकार करा था, मौत पाई थी उसने, समझ रहे हो। रावण ने अहंकार करा था, मृत्यु दंड मिला था। कंस ने अहंकार करा था, मृत्यु दंड मिला था। जिस जिसने अहंकार करा है उसको दंड मिला है। जो झुक कर रहा है उसने लोगों को झुकाया है, भगवान तक उसकी बात मानते हैं। अहंकारी मत बनिए, अहंकारी मत बनिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।